भाई 2:30 बजे कौन रनिंग करता है? Can you believe it? It's still open. रात के 2 बजे हैं and to have dinner हम न्यूयॉर्क के most popular पिज़्ज़ा शॉप पे आए हैं, that is Joe's Pizza. अभी रात के 2 बजे लोग कई लोग सड़कों पे सो रहे हैं. रात के 2 बजे इतना कूड़ा कचरा, लोग सड़क पे फेंक देते हैं पिज़्ज़ा के बॉक्सेस. वो क्या नाइट लाइफ है. रात को मतलब इतने रेस्टोरेंट्स खुले हैं जितने अटलांटा में दिन में नहीं खुले होते. और फिर बदनाम करते थे इंडिया और क्या भाई, वही लाइन तो बहुत ही लंबी है. राइट भाई, लंबी होती है, कभी कभार 2 घंटे चली जाती है इसकी लाइन. एक स्लाइस ऑफ पिज्जा के लिए 2 घंटे. वाओ भाई, अभी बेटा सब्सक्राइबर है जोस पिज़्ज़ा, तुसी कित्थों? मैं पाली लुधियाने तो आगा. वाओ यार क्या बात है, मैं छोड़ा ही नहीं पर. दैट इज क्रेजी यो. थैंक यू. वी गॉट जोनाथन. वाओ काफी क्रिस्पी है यार पिज़्ज़ा. बहुत क्रिस्पी है यार, यू कैन फील द क्रिस्पीनेस. अच्छा है ना, वो रीहीट करते हैं पर यही प्रॉब्लम है मुझे लगा. रीहीट करना पड़ता है क्रिस्पीनेस के लिए. मैं भी ट्राई करता हूँ, इसी को ट्राई कर लेता हूँ. इट्स प्रीटी गुड, इट्स एक्चुअली वेरी क्रिस्पी, वन ऑफ द मोस्ट क्रिस्पीएस्ट पिज्जा. मतलब फ्रेश खाओगे तो ही मज़ा आएगा. हाँ ये तो है. बाकी वर्थ इट ऑल, वर्थ द वेट. एंड ही डिड नॉट चार्ज अस, लाइक ही वाज वेरी नाइस. ही वाज ट्राइंग टू शो पंजाबी हॉस्पिटैलिटी. मतलब या और कहता मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता भाई. मतलब बहुत न्यूयॉर्क में ऐसे दिल के लोग बहुत कम मिलते हैं. हाँ बहुत अच्छा लगा यार. अभी भी यकीन नहीं होता, रात के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे हैं एंड द पिज्जा हैज स्टिल अ ह्यूज लाइन आउटसाइड इट. क्या हाइप है. ये जो पिज्जा है ये अपेरेंटली न्यूयॉर्क का बेस्ट पिज्जा है. ठीक है, मतलब सब लोग यही कहते हैं. Impressive! Yay! Watch me that! Amazing! Thank you! We in New York City! Sure. Oh, they don't want to be in it? I'm with my boy. I'm with my boy, in the Alex, city, sir. Bro. We're supposed to be in the city. Yes, sir. What you know about? Let's go. Thank you. Singing USA. Yes, thank you. सो फाइनली टाइम्स स्क्वायर एंटर करते ही यू लिट अप. चाहे जितनी मर्जी बार आ जाऊँ यार स्माइल आ ही जाती है बिकॉज इट इज़ सो ब्राइट एंड लाइवली इवन एट ऑलमोस्ट 2:30 AM इन द मॉर्निंग. भाई मतलब लोगों की एनर्जी देखी आपने, मतलब जो अभी हमसे मिले थे, मतलब रात के 2:30 बजे अलग ही जोश चढ़ा भाई लोगों को. वही अभी फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट सब चल रहा है भाई. और काफ़ी लोग ड्रग्स पे हैं अनफॉर्चुनेटली, वो गालियां भी दे रहे हैं इन एड्स को. मतलब पता नहीं क्या चल रहा था, आई वाज रियली शॉक्ड. अगर एड्स देखो, एड्स हैव अ पैटर्न एज वेल. तो अगर आप वो पीछे टॉप वाली एड्स देखोगे, वहाँ पे टॉप पे हमेशा एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके नीचे हमेशा सैमसंग है, उसके नीचे हमेशा होती कंपनी कोका कोला. सो कोका कोला, सैमसंग एंड इंश्योरेंस ऑलवेज ऑल टाइम देयर एंड दे मस्ट बी पेइंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन अ ईयर. अगर आपको कुछ मिनट की एड चाहिए तो $26,000. मैंने सुना था भाई ट्यूजडे को दोपहर के 12 बजे अगर कोई एवरेज बिलबोर्ड पे 30 मिनट्स की एड करनी है तो $26,000. इनसेन. And that's the ball drop. अभी ये ball I think ऊपर जा रही है and then it will drop at the end of the year. पता नहीं. भाई सब energy आसपास देखो तो सही. हरियाली हरियाली छाई पड़ी है. भाई 2:30 बजे कौन running करता है? रात के 2:30 बजे racing, mind blowing. अभी भी चल रही है. अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे almost 3 billboards है बट बीच में खाली जगह है एंड दैट इज लीडिंग टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉस. क्योंकि वो वाला बिलबोर्ड, ये वाला इज अंडर रिप्लेसमेंट. इट इज अनबिलीवेबल. एक टीवी स्क्रीन आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे भी सकती है और छीन भी सकती है. टाइम स्क्वायर से बाहर निकलते ही कूड़ा ही कूड़ा है इधर यार, इतनी बदबू. सो टाइम स्क्वायर को मेंटेन करने के लिए साइड पे सारा कूड़ा फेंक देते हैं. One side completely vibrant and one side completely dark. Finally meeting Dr. Manik in New York City. मुझे यकीन नहीं हो रहा, सीधा इंडिया से एयरपोर्ट से सीधा न्यूयॉर्क मुझे मिलने आए हैं. थैंक यू सो मच यार. No worries man, I'm your biggest fan. That is the truth. अनूर की वीडियो मैं 4 साल से देखता आया हूँ. मेरे लिए आपसे मिलना उससे भी बड़ी चीज़ है. थैंक यू सो मच. अनूर ने मुझे फ्री खाना भी खिलाया.
That's why I'm doing this. And how was your trip? JFK is a mess, right? Yeah. Immigration is a mess. So immigration पे बहुत लोगों को खड़ाया, like कुछ लोगों को reject भी कर दिया मेरे सामने. Oh my god. That's why it took like so much time. और बाद में जो उनकी transport थी, that kind of got delayed. Air train cancel हो गई. And then I had to do a separate bus to a separate subway station. जो मैंने गलत पकड़ ली, वहाँ से मैंने गलत पकड़ ली एक और train. और फिर मैं हरनूर like एक दो दिन बंदों से मिला, जिनके साथ मैंने cab की. और फिर मैंने एक और train पकड़ी हरनूर से मिलने के लिए. और एक ट्रेन मिस कर ली, एक रॉन्ग ट्रेन, बट फाइनली प्यार के लिए हम क्या क्या कर देते हैं. पर हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा. थैंक यू सो मच यार, मौका मिलेगा. श्योर मैन. एंड सबसे बड़ी चीज़ मैंने डॉक्टर मानिक से अभी सीखी, गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील. क्योंकि कोई भी इस दुनिया में ओरिजिनल नहीं हो सकता 100%. एंड अभी फिलहाल मैं इनके हॉस्पिटल, इनके अपार्टमेंट सून विजिट करूँगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डे एंड विल सी यू सून यार. फाइनली आज मौका मिलेगा हमें टू गो टू अ क्लब इन न्यूयॉर्क सिटी. लास्ट टाइम $1,000 फॉर साइड टेबल, $2,000 फॉर द मेन टेबल. मुश्किल हो गया था बिकॉज इट वॉज सो एक्सपेंसिव, थाउजेंड ऑफ डॉलर टू एंटर, बट आज नहीं. इतनी लंबी लाइन, and Apple store even after 2:30 a.m. is open. It is 24/7 open and people still like to eat on Fifth Avenue. Abhi bhi itna lively hai. Can you believe it? It's still open. So some stalls are actually leaving the city now at this point. So even this late outside Apple store, there are some stalls open. Looks so lively. Lag hi nahi raha it is that late in the night going to the Apple store this late. At this late it is so bright. Lag hi nahi raha that it's so late at night. एंड मैंने दोस्तों नोटिस किया कि एट दिस लेट इनसाइड एप्पल स्टोर दे डू आस्क यू हाउ कैन आई हेल्प यू. बिकॉज यूजली अगर आप दिन में एप्पल स्टोर जाते हो वो पूछते नहीं है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट पीपल टू कम दिस लेट एंड टू बग देम. बट इट्स स्टिल एवरी वन इज़ वेरी वेरी नाइस. आप अभी भी मैकबुक खरीद सकते हो इवन एट 2 AM. एंड ये पार्ट, दिस इज़ द पार्ट वेर यू कैन सी इनसाइड. अंदर से आप बाहर नहीं देख सकते, द एप्पल स्टोर इज़ सो वेल लिट, बट फ्रॉम आउटसाइड यू कैन सी द इंटायर एप्पल स्टोर. रात के 2:30 बजे स्टोर पे शॉपिंग करने के बाद आप सीधा वहाँ से आइसक्रीम कुछ भी ले सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू. अब घर जाने में ऑनेस्टली थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई नहीं है स्ट्रीट पे और एक ही फूड कार्ट ओपन था 2:30 बजे. आई एम गोना ईट फ्रॉम हियर एंड देन गो होम. एंड यहाँ पे एक होमलेस और रेस्टोरेंट वाले की लड़ाई हो गई, बिकॉज होमलेस पर्सन वॉज आस्किंग फॉर मनी एंड आई वॉज अबाउट टू गिव एंड रेस्टोरेंट वाले ने मुझे मना कर दिया, तो वो चिल्लाने लगा उसको. लकीली फ्यू पीपल हियर वाइल वॉकिंग होम एज वेल. तो मान लिया यार कि दैट वॉज टाइम स्क्वायर, पर अभी मैं अपने अपार्टमेंट की स्ट्रीट पे हूँ विच इज़ 100th Street. यहाँ पे पूरी स्ट्रीट खाली है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, दैट इज़ ट्रैश. यहाँ पे दो तरह के ट्रैश क्रिएट किए जाते हैं. एक तो यहाँ पे फूड ट्रक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारे ट्रैश स्ट्रीट्स पे फेंक देते हैं. आपको पता है क्यों? ये भी ट्रैश से भरा हुआ है. तो ये इस कारण है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो सारा कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं. दूसरा, इनफैक्ट रेस्टोरेंट्स तो क्या, हर एक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप ट्रैश ज़मीन पर ही फेंको. डू यू नो व्हाई? बिकॉज यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में इतना ट्रैश क्रिएट होता है, हर कोई प्लास्टिक के, हर कोई डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स यूज़ करता है और उसे हर बार डिस्पोज करना पड़ता है. न्यूयॉर्क सिटी इज़ द ओनली सिटी जो मैंने अमेरिका में देखी है जहाँ पे हर रोज़ ट्रैश पिक किया जाता है. जब मर्जी देख लो आप, हर सुबह हर रात को भी, जैसे 3 बजे सारा ट्रैश पिक हो चुका है,
और सिटी साफ हो चुकी है इतनी जल्दी, पर बाकी सिटीज़ में हर मंडे ट्रैश पिक किया जाता है। इस कारण आपको द सिटी दैट नेवर स्लीप्स ऑल्सो स्लीप्स, अभी पूरी सड़क खाली है टाइम्स स्क्वायर के अलावा, सारी सड़कें खाली है। मुझे एक्चुअली डर लग रहा है अकेले वॉक करते हुए, बट हाँ कि इट इज़ अ मिथ दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, पर टाइम्स स्क्वायर के आसपास 4 बजे तक आपको लाइवली दिख जाएगा।